हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस महायुद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आप सब ने बड़ी वीरता दिखाई है। युद्ध में शत्रु का वध करना ही एक वीर का धर्म होता है, और उस धर्म का पालन आप सब ने बड़ी शान से किया है। परंतु शास्त्र मत के अनुसार आप सबने नरहत्या का पाप भी किया है। इसी नरहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म का विधान है। उसी प्रायश्चित कर्म के लिए मैं आप सबको ओघवती नदी के तट पर ले जा रहा हूँ। विजय उत्सव मना रहे हैं पांडव, परंतु मैं इनकी विजय को पराजय में बदल दूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। उत्तेजित होना ठीक नहीं अश्वत्थामा, क्रोध के आवेश में हमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। जब तक पांडव सो नहीं जाते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी अश्वत्थामा। हाँ, समझे। प्रतीक्षा तो अब पांडव कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। सारथी जी, रथ घुमा लो। क्यों केशव, शिविर में नहीं चले गए? नहीं बड़े भैया, आज रात हम शिविर में नहीं बल्कि हम ओघवती नदी के तट पर चलेंगे। परंतु क्यों केशव? नर हत्या का प्रायश्चित करने के लिए। नर हत्या प्रायश्चित? हां बड़े भैया, इस महायुद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आप सब ने बड़ी वीरता दिखाई है। युद्ध में शत्रु का वध करना ही एक वीर का धर्म होता है, और उस धर्म का पालन आप सब ने बड़ी शान से किया है। परंतु शास्त्र मत के अनुसार आप सब ने नरहत्या का पाप भी किया है। इसी नरहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म का विधान है। उसी प्रायश्चित कर्म के लिए मैं आप सबको ओघवती नदी के तट पर ले जा रहा हूं। परंतु मधुसूदन, ये कार्य तो कल भी हो सकता है। मैंने सोचा था कितनी रातों की नींद इकट्ठा हुई है, आज मजे से डटकर सोएंगे। नहीं भीम भैया, आज रात एक सुनहरा अवसर है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। अर्थात ये कि आज अर्धरात्रि के समय अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यह काल प्रायश्चित कर्म के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। यहां तक कि जिसके हाथों नर हत्या का पाप हुआ उसे उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसी मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करे, ये प्रभु की कृपा ही समझो कि ये युद्ध समाप्त होते ही ये मुहूर्त तुम्हें प्राप्त हो गया। इस दैवीय अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
अन्यथा इसके लिए फिर कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब शीघ्रता से चलो, हमें बहुत दूर जाना है। चलो, चलो पांचाली। विजय उत्सव मना रहे हैं पांडव, परंतु मैं इनकी विजय को पराजय में बदल दूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं सर्वनाश। उत्तेजित होना ठीक नहीं अश्वत्थामा, क्रोध के आवेश में हमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। जब तक पांडव सो नहीं जाते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी अश्वत्थामा। हाँ, समझे। प्रतीक्षा तो अब पांडव कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। हे जलोगमयी नदी देवी, आप गंगा की ही प्रतिमूर्ति हो, इसलिए हमारे पाप शापों को तत्काल नष्ट करने की कृपा करें। अंधकार को मिटाने वाला यह दीपक हम आपको समर्पित करते हैं। कितनी गहरी शांति है यहाँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मन में लगी आग अब शांत होने लगी है। इस शांति का अनुभव करते हुए आज प्रतीत हो रहा है कि पिछले 13 वर्षों तक हम कितने अशांत थे। परंतु इस शांति को पाने के लिए हमें कितने ही बलिदान देने पड़े हैं। बड़े भैया, बलिदान, त्याग और समर्पण के बिना मन को शांति प्राप्त नहीं होती। हाँ केशव, अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए हमने सदा ही भारी मोल चुकाया है। आप सभी के साथ जो कुछ भी अतीत में हुआ उसे आप भूल जाइए, क्योंकि अब आपको अपना खोया मान सम्मान और अधिकार मिल गया है। हाँ केशव, हमें हस्तिनापुर से छल कपट से अपमानित करके निकाला गया था, परंतु अब हम हस्तिनापुर में सम्मान के साथ प्रवेश करेंगे। परंतु हस्तिनापुर में जाकर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। परंतु क्यों भीमसेन? इसलिए कि हमारी शांति भंग करने वाला हस्तिनापुर का वो अंधा सम्राट अब भी वहां मौजूद है। ये अशांति उसके षड्यंत्रों ने तो फैलाई थी। जिस धरती पर उसके सांसों की दुर्गंध फैली हो, वहां मैं सुख और चैन की सांस कैसे ले सकता हूं? कैसे मेरे मन को शांति प्राप्त हो सकती है? भीम भैया, युद्ध तो अब समाप्त हो गया है, परंतु आपके मन से द्वेष की भावना
अब भी समाप्त नहीं हुई है। परंतु भीमसेन, सम्राट धृतराष्ट्र ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, उसकी बहन का सजा उन्हें मिल चुकी है। उनके सारे के सारे पुत्र मारे जा चुके हैं। परंतु जरा ये तो सोचो कि माता गांधारी का क्या दोष था, फिर भी उन्हें अपने सारे पुत्रों को खोना पड़ा। मैं जब भी उस साध्वी के बारे में सोचता हूं तो मेरा मन कांप उठता है। मेरी अंतरात्मा मुझे माता गांधारी का अपराधी समझती है भीमसेन। परंतु मैं अपने आप को अपराधी नहीं समझता। यह तुम्हारे अंदर का द्वेष बोल रहा है। पर माता गांधारी के सौ पुत्रों को मारने के बाद तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम अपने अंदर द्वेष को पालो। मैं कोई ऋषि मुनि नहीं जो अपने मन की भावना पर नियंत्रण रखूं। जो मेरे मन में है वो छुप नहीं सकता, चाहे वो आवेश हो या द्वेष। यदि ऐसा ही द्वेष माता गांधारी के मन में हो कि तुमने उनके सौ के सौ पुत्रों को मार दिया तो क्या? भीमसेन, तुम्हें माता गांधारी की शक्ति के बारे में पता नहीं है। ये तो अच्छा है कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यदि उन्होंने पट्टी खोलकर तुम्हें द्वेष के साथ देख भी लिया तो तुम वहीं के वहीं भस्म हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं भीमसेन कि तुम अपने क्रोध पर संयम रखना सीखो। अपने मन में से द्वेष और घृणा के विकारों को निकालकर उन्हें स्वच्छ और निर्मल कर दो। फिर तुम्हें चारों ओर शांति ही शांति का आभास मिलेगा भीमसेन। सम्राट, इस नदी के तट पर सभी को मन शांति का आभास हो रहा है, परंतु अचानक न जाने मेरा मन क्यों अशांत होने लगा है। मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर से किसी अशुभ घटना का संकेत मिल रहा है। मुझे भय लगने लगा है केशव, मुझे भय लगने लगा है। मामाश्री, इस तंबू पर जो ध्वजा लहरा रही है
उससे पता चलता है कि यह नकुल का शिविर है। चलिए हम पांडवों के सर्वनाश की कहानी नकुल के वचन शुरू करते हैं। अवश्य जी, अवश्य। धृष्टद्युम्न, कौन है? तुम्हारी मृत्यु। अश्वत्थामा, हे कायर धृष्टद्युम्न, तूने मेरे पिता की हत्या चेत अवस्था में की थी, परंतु मैं तुझे सचेत अवस्था में मारूंगा। तूने मेरे पिता को अधर्म से मारा था, आज मैं तुझे अधर्म से ही मारूंगा। अधर्म का उत्तर अधर्म से दूंगा। श्री, मैंने पापी धृष्टद्युम्न की हत्या करके अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया। अश्वत्थामा, तुम शिखंडी।